हेलो दोस्तों, जैसा कि आज का तारीख है 28 और दिन शुक्रवार है। आज छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए बोला जाता है, तो सुबह से घर साफ सफाई और गोबर से निपा जा रहा है। हम थोड़ा लेट से उठे, अभी बज रहा है 5:30 लगभग। मम्मी 4 बजे पहले से उठी हुई है और घर का साफ सफाई कंटिन्यू चल रहा है, और थोड़ा इंजोरा होने के बाद ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या होता है घर में। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे नीपना स्टार्ट हो गया है, लगभग 25% हो गया है। ये गोबर से पूरा नीपा जा रहा है और इधर घर धोया जा रहा है। साथ ही साथ दिखा देते हैं आपको, इतना सारा बर्तन भी धोया गया है। ये बर्तन जो जितना है सारा छठ पूजा में यूज़ होता है, सारा कासा पीतल का बर्तन है। आज नहाए खाए में कद्दू भात बनेगा, तो इसीलिए इसमें से कद्दू भात का तो बर्तन नहीं दिख रहा है, किंतु ये सब छठ पूजा का ही बर्तन है। और यहाँ पे गोबर से निपाना शुरू हो गया है। चलिए आपको गोबर दिखाते हैं। तो गाइस इसी तरह से इस सारे जगह को नीप दिया जाएगा, साफ सफाई किया जाएगा और घर को थोड़ा सा सजाना भी है। और साथ ही साथ आज को 3 बजे के दौरान एक रैली में जाना है, जो नॉर्मली छठ पूजा के ऊपर एक रैली है। तो आपको रैली भी दिखाएंगे कि रैली में क्या क्या इस बार हुआ, पहली बार ये रैली होने जा रहा है, तो देखिए क्या क्या होता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस जैसा कि गोबर खत्म हो गया है, तो पापा और हम अभी गोबर लाने के लिए सुशील काकू का घर जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं सुशील काकू का घर। तो गाइस देख सकते हैं, ये सुशील काकू का घर है। भीतर जा नहीं पाए, भीतर थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए बाहर से ही आपको दिखा दे। ये गांव की तरह नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं, जैसा कि गोबर यहाँ पे आ चुका है और इसी से अब नीपा पोता जाएगा। और अब चलते हैं कि खाना जो बन रहा है उसके तरफ आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं, गाइस यहाँ मम्मी लौकी छील रही है, इसी लौकी का सब्जी बनेगा। और देख सकते हैं ज़्यादा अमाउंट में लौकी आया है, एक लौकी इधर मम्मी छील रही है और इधर 2 लौकी रखा हुआ है। और उस गमला में भी काफ़ी मसाला है, जैसे दाल है, लौकी है, तेल है, पैकेट का मसाला है, चीनी है, फूल गोभी है और शिमला मिर्च भी आपको दिख रहा होगा। और देखिए फूल गोभी कितना प्यारा लग रहा है, और चीनी भी लिए हैं, अदरक भी है यहाँ पे। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे गेहूँ भी सुखाया जा रहा है, क्योंकि इसी गेहूँ को सुखा के कल ठेकुआ बनाया जाएगा, इसलिए धूप में इसको बेहतरीन तरीका से सुखाया जा रहा है, और ताकि कोई चिड़िया उड़िया ना आए इसलिए इसका ज़्यादा करके देखभाल किया जा रहा है। तो चलिए गाइस भीतर चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो गाइस अब भीतर आ गए हैं, भीतर यहाँ दाल को भूजा जा रहा है, थोड़ा सा फ्राई कर दिया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि दाल में जो दवा है वो हट जाएगा और दाल थोड़ा टेस्टी बन जाएगा। तो चलिए अब फिर से बाहर चलते हैं, अब मम्मी क्या कर रही है चलिए देखते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, अब आलू को छोटा छोटा करके काटा जा रहा है, आलू को काट के आलू और फूलगोभी का सब्जी बनाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अदरक को छोटा छोटा पीस कर लिया जा रहा है, ताकि मिक्सी मशीन में पीसने में सुविधा हो। तो गाइस देख सकते हैं आलू कितना बेहतरीन लग रहा है, साथ ही साथ इस थाली में आप देख सकते हैं टमाटर है, हरा मिर्च है, शिमला मिर्च है, एक अलग ही खूबसूरती प्रदान कर रहा है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अदरक का पेस्ट और मसाला रेडी हो गया है। अब चलिए खाना बनाने की तरफ चलते हैं। गाइस यहाँ पे मसाला मिलाकर खाना बना दिया है। आप जानना चाहते हैं कि कद्दू का सब्जी कैसे बनाया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि लौकी का सब्जी कैसे बनाया जाए। यहाँ तो पूरा वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं, तो चलिए अब डायरेक्ट सब्जी की तरफ चलते हैं। जैसा कि गाइस कद्दू भात बन गया है, अब हम लोग कद्दू भात खाएंगे। तो अब हम खाने के लिए बैठे हैं, तो दिखाते हैं कैसे कैसे क्या बना है। तो गाइस ये चावल है और ये बना है आलू फूलगोभी का सब्जी, और ये मेनली कद्दू और चना दाल का सब्जी, और यहाँ पे चना का दाल है। खाना पूरा रेडी है और खाने वाला भी रेडी है। जैसा कि गाइस कद्दू भात खा रहे हैं, काफी स्वादिष्ट बना है, बहुत ही टेस्टी है, और फूलगोभी आलू का सब्जी भी टेस्टी है। तो इसके बाद हम लोग खा के निकलेंगे रैली के लिए, और ये ब्लॉग लगता यहीं तक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग आपका रैली वाला कुछ देर में अपलोड होगा।